मॉर्निंग शेफ। गुड मॉर्निंग। आज हम क्या बनाएंगे? व्रत और उपवास की सीजन चल रही है तो उसी से रिलेटेड कुछ बनाते हैं। सिंगल डिशेस तो बहुत बना ली, लेकिन आज बनाते हैं पूरी थाली और वो भी फराली थाली। तो जी नमस्कार, मैं हूं उमंग फ्रॉम बावलीस किचन और मां अन्नपूर्णा जी के आशीर्वाद से आज हम बनाएंगे फराली थाली। फराली थाली में सबसे पहले बनाएंगे मोरैया खीर। मोरैया को थोड़ा ही बॉईल करना है, इसीलिए हमने एक कप मोरैया के साथ डेढ़ कप पानी डाला है। मोरैया तो अच्छे से पक रहा है तो उसके साथ ही हम आलू उबाल लेते हैं, क्योंकि आज हम पूरी डिश ही बना रहे हैं। इस आलू से हम सब्जी बनाएंगे और जो हम फराली थेपला भी बनाने वाले हैं उसके डो में भी यूज करेंगे। देखिए मोरैया अच्छे से पक गया है तो अब इसमें डाल देंगे दूध, साथ में डालेंगे थोड़ी सी चीनी और पकने देंगे। आलू की 3-4 विसल हो गई है तो अब इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पर हमारी खीर भी उबल चुकी है तो इसमें डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और कुछ खुशबू के मसाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं खीर की इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और आखिर में डाल देंगे इसमें थोड़ा सा घी। अब इसके साथ कुछ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद फ्रीज में रख देंगे। कैमरा वाली बाई ने आलू के छिलके निकाल दिए हैं तो अब बनाते हैं आलू भाजी, जिसे सूखी भाजी भी कहते हैं, जीरा आलू भी कहते हैं, लेकिन बनेगा वो फराली वे में, जिसमें ना तो कोई ऐसी चीज जाएगी जो फराल में ना खाई जाए। भाजी बनाना बिल्कुल इजी है, ना ज्यादा मेहनत लगती है ना ज्यादा चीजें। सबसे पहले डाला थोड़ा सा तेल, उसमें गया जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। हरी मिर्च थोड़ी भून जाए उसके बाद डालेंगे टमाटर और उबले हुए आलू।
और आखिर में डालेंगे थोड़ी सी चीनी, एक छोटा चम्मच जितना नींबू और थोड़ा सा हरा धनिया। नमक का ऐसा सीन है, कुछ जगह खाते हैं कुछ जगह नहीं खाते। हम खाते हैं तो सबसे आखिर में डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये हो गई हमारी आलू भाजी तैयार। अब बनाते हैं राजोगरा के थेपले। राजोगरा के थेपले बनाने में वैसे तो बिल्कुल आसान है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करनी है। सबसे पहले आलू को मैश कर देना है, उसके अंदर जाएगा राजोगरा, थोड़े से ड्राई मसाले और अगर जरूरत लगे तो दही। ये हो गया परफेक्ट डो जो बिना दही के है। अगर आपका आटा थोड़ा हार्ड लगे तो आप दही भी यूज कर सकते हो। अब आखिर में थोड़ा सा तेल डालकर डो को अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा परफेक्ट डो। कैमरा के पीछे जितने लोग खड़े हैं ना, वो सब हंस रहे हैं। बाल बाल बचे, थेपला बेल लिया है, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ये लीजिए, हो गई हमारी डेलिशियस फराली थाली तैयार। कभी भी उपवास रहे तो ये थाली जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी भी लगेगी। और अभी नेक्स्ट रेसिपी क्या बनानी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए, आपसे वो हमेशा से शिकायत रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।